गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जेई की गुरु नीति सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, आज का टॉपिक जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इन वाटर, और वाटर के अंदर आयंस की कंडक्टिविटी बतानी। ठीक है, तो ये बेसिकली अल्कली मेटल आयंस है। तो अल्कली मेटल आयंस कौन से होते हैं? लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। ठीक है, रब से फरियाद। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? साइज बढ़ जाएगी। तो लिथियम प्लस की साइज क्या होगी? सबसे स्मॉल होगी। तो लिथियम प्लस की साइज सबसे स्मॉल होने की वजह से वाटर चारों तरफ से इसको क्या कर लेगा? घेर लेगा। जब वाटर चारों तरफ से इसको घेर लेगा तो वाटर ये Li प्लस का मूवमेंट इजीली नहीं हो पाएगा। तो मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी जो है वो आपके पास क्या होगी? CS प्लस की होगी। तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर जो आएगा इसके अंदर आपके पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा जो मैच कर रहा है CS प्लस की ज्यादा, फिर RB प्लस, फिर K प्लस, और उसके बाद में क्या आएगा? Na प्लस। तो इसका आंसर कौन सा आएगा बेटा? फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलिए अगला प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला प्रॉब्लम ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम क्या कह रहा है? द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर 288/60 एंड 426 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है ना, तो आपको क्या दे रखा है? एक तो बेरियम क्लोराइड दे रखा है, दूसरा H2SO4 दे रखा है, और तीसरा आपके पास क्या दे रखा है? HCl दे रखा है। इसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है आपके पास 280 दे रखी, इसकी दे रखी 860, और तीसरे की दे रखी आपके पास 426 के बराबर दे रखी। ठीक है भाई, अब आगे क्या कह रहा है आपको? किसकी बतानी? बेरियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बतानी। ठीक है ना, तो मतलब बेरियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैसे बताओगे? सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ BaCl2। ठीक है ना, Ba प्लस इसके अंदर आ गया। ठीक है ना, प्लस साथ ही क्या कर लेता हूँ? H2SO4 ले लिया। ठीक है ना, तो H2SO4 लोगे तो SO4-2 भी आएगा, और माइनस क्या करता हूँ? 2 mol HCl का माइनस कर लेता हूँ। तो 2 mol HCl का माइनस करोगे तो यहाँ पे 2Cl- और 2H+ यहाँ से हट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? 2HCl हट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा? BaSO4। तो कोलरोच रॉ के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? इसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो BaCl2 की मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू कितनी दे रखी? 280 दे रखी है, प्लस साथ में H2SO4 की कितनी दे रखी? 860 के बराबर, माइनस 2 × आपके पास इसकी दे रखी कितना? 426 के बराबर दे रखी। बात समझ में आ रही? ठीक है बेटा, अब इसको आप कैलकुलेट करो। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपके पास कितनी आएगी? 288 के बराबर आएगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपके पास? 288 आंसर हो जाए। बात समझ में आ रही बेटा? चलो नेक्स्ट, चलिए अगला वाला प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बेटा, थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है? फॉर द रिएक्शन, अभिक्रिया के लिए आपके पास ऐसी अभिक्रिया देखिए, 2Fe+3+2I- विल गिव यू 2Fe+2+ साथ में I2। ठीक है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड मोलर फ्री एनर्जी चेंज आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखो आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो होती है वो -NFe0 सेल के बराबर है। ठीक है ना, ये तो आपको पता है। अब e0 सेल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? e0 सेल की वैल्यू जरा ध्यान दीजिए, निकाल सकते हैं e0 कैथोड -e0 एनोड से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो कैथोड कौन सा होगा जिसका आपके पास क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है ना, तो +3 से +2 में जा रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है ना, तो Fe+3 से +2 के लिए, Fe+3 से +2 के लिए नहीं दे रखी, Fe+2 से लेके Fe के लिए दे रखी, और Fe+3 से Fe के लिए आपके डाटा दे रखा है। तो आपको निकालना है, पहले आपको क्या निकालना है? Fe+3 से Fe+2 के लिए e0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालोगे? आप लैटिमर डायग्राम का हेल्प यूज कर सकते हो। तो Fe+3 से आपके पास क्या दे रखा है? Fe+2 दे रखा है, और उसके बाद में क्या रहा है? Fe0 में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, Fe+2 से Fe के लिए आपके पास e0 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? -0.440 के बराबर दे रखी है। ठीक है, वोल्ट के बराबर। सेम Fe+3 से, अच्छा Fe+3 से आपके पास इसके लिए जो दे रखी थी वो आपके पास कितनी दे रखी थी? एक बार वापिस में बता देता हूँ, यहाँ से Fe+3 से Fe0 के लिए वो दे रखी है -0.036 वोल्ट के बराबर। ठीक है, Fe+2 से Fe के लिए जो दे रखी है वो आपके पास कितनी दे रखी है? -0.440 वोल्ट के बराबर। आपको इसकी निकाली, इसकी e0 की वैल्यू। ठीक है ना, तो लैटिमर डायग्राम की हेल्प से हम ऐसे निकाल सकते हैं इन दोनों का चेंज, टोटल चेंज जो आएगा वो क्या होगा? +3 से 0 में आएगा। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट, जरा ध्यान दीजिए, यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल चेंज कितने आ रहा है? 3 का चेंज आ रहा है।
तो 3 मल्टीप्लाई बाय यहां से कितना आएगा -0.036 दैट इक्वल्स टू ये किसके बराबर होगा इसकी हमने x मान ली ठीक है ना तो x इनटू कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना आ रहा है 1 का प्लस साथ में आपके पास क्या आएगा बताइए यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना रहेगा 2 का यहां पे क्या आएगा -0.440 के बराबर ठीक है इसकी वैल्यू का आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए ठीक है ना तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो यहां पे कितना आएगा यहां पे 8 और 1 एंड 108 ठीक है ना -108 इज इक्वल टू x यहां पे क्या आएगा -0.88 के बराबर आएगा ठीक है ना अब इसकी वैल्यू को इधर लेके आओ तो x बराबर क्या आएगा 0.88 -0.108 के बराबर आएगा ठीक है अब देखो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए तो यहां से 0.88 में से आप क्या करोगे 0.108 माइनस कर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बच जाएगा यहाँ पे कितना बचेगा 7 और यहाँ पे 7 तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू वो कितनी आएगी 0.772 वोल्ट के बराबर आएगी ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से Fe प्लस 2 से ले Fe के लिए ठीक है ना Fe प्लस 2 से लेकर Fe के लिए जो E0 की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास 0.722 वोल्ट के बराबर आ रही ठीक है अब आगे देखिए ये हटा देता हूँ मैं रब कर लेता हूँ अब देखिए ये तो हमने डाटा यहाँ पे निकाल दिया अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालना ठीक है ना तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा बताइए माइनस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें कितने होंगे 2 के बराबर इनटू फैराडे की वैल्यू एफ की वैल्यू कितनी दे रही है 96500 कूलम के बराबर दे रही है इनटू साथ ही साथ ई नॉट सेल क्या होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कैथोड यहाँ पे क्या है प्लस 3 से प्लस 2 में जा रहा है मतलब रिडक्शन हुआ तो कैथोड जो होगा आपके पास क्या होगा 0.772 माइनस एनोड आपके पास क्या है -1 I2 में गया 0 में गया तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो कैथोड I2 के लिए आपके पास वैल्यू दे रही है 0.539 ठीक है 0.539 वोल्ट के बराबर दे रही है ठीक है अब आप इसको क्या कर लीजिए आप कैलकुलेट कर लीजिए बड़ा ठीक है जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली -45 किलो जूल के बराबर आ जाएगी ठीक है बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है बेटा ध्यान दीजिए ए केसीएल सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी 0.14 शोज द रेजिस्टेंस ऑफ 4.19 ओम इन द कंडक्टिविटी सेल ठीक है इफ द सेम सेल इज फिल्ड विथ एचसीएल सॉल्यूशन द रेजिस्टेंस ड्रॉप 1.03 ओम द कंडक्टिविटी ऑफ HCl सॉल्यूशन ठीक है ना तो बाद में जब HCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ली HCl सॉल्यूशन लिया गया तो इस सॉल्यूशन की आपको क्या निकालनी है कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी मतलब K की वैल्यू निकालनी ठीक है बेटा अब एक बात बताऊं मैं K बराबर जो होता है वो आपके पास क्या होता है बताइए K बराबर G into G star ठीक है ना जी स्टार यहाँ पे क्या होगा सेल कॉन्स्टेंट और साथ ही साथ जी क्या होगा कंडक्टेंस तो यहाँ से जी स्टार की वैल्यू मतलब कंडक्ट सेल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होगी तो यहाँ से के अपॉन में क्या लिख सकता हूँ मैं जी के बराबर लिखा जा सकता है ठीक है ना तो जी स्टार जो होगा वो किसके बराबर होगा के इंटू 1/G को क्या लिख सकता हूँ मैं आर के बराबर ठीक है ना तो दोनों केस में आपके पास क्या होगी जी स्टार की वैल्यू क्या आएगी सेम तो यहाँ से के 1 into R1 दैट विल इक्वल टू के 2 into R2 के बराबर आएगा ठीक है ना तो के 1 की वैल्यू कितनी दे रही है आपके पास 0.14 के बराबर दे रही है इंटू R1 की वैल्यू 1.49 इज इक्वल टू K2 की वैल्यू आपको निकालनी और R2 की वैल्यू कितनी ली अपने पास 0.03 के बराबर तो यहाँ से K2 की वैल्यू आएगी 0.14 मल्टीप्लाई में 4.19 अपॉन में 1.03 ठीक है ना तो इसको आप बेटा क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 14.3 के बराबर आएगी वैल्यू ठीक है लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपको इस टर्म में दे रखी ठीक है ना तो आप इस टर्म में आप निकाल के आप आंसर निकालो तो K2 की वैल्यू 14.3 के बराबर आ जाए ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए अगला प्रॉब्लम फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए भाई फिफ्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है ए 5 मिलीमोल यहां पे मिलीमोल पर डीएम क्यूब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केसीएल हैज द कंडक्टेंस ऑफ 0.5 ms ms का मतलब मिली साइमन है यहाँ पे ठीक है ना व्हेन मेजर्ड इन सेल कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास ये वाली दे रखी है ठीक है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन की आपको क्या निकालनी लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी ठीक है और ये किसके अंदर निकालनी ms ये तो क्या हो गया मीटर हो गया ये मोल इनवर्स हो गया यहाँ पे क्या है ये वाला
मिली साइमन, ये वाली वैल्यू क्या है मिली साइमन, ये वाला क्या है मीटर स्क्वायर, और यहां पे आपके पास क्या आएगा मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा कप्पा टेन टू थाउजेंड अपॉन में क्या आएगा एम आई। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ाओ, लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं जब सेंटीमीटर में कुछ वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, अगर मीटर में वैल्यूज दे रखी है तो मीटर के लिए हम क्या लिखाते हैं कप्पा अपॉन थाउजेंड इंटू क्या करोगे एम के बराबर करोगे। ठीक है, तो ये वाला आपको फॉर्मूला आपको पहले से पता है। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको पहले सबसे पहले आपको देखो मोलरिटी की वैल्यू आपके पास दे रखी है, आपको निकालना क्या है कप्पा निकालना, के की वैल्यू निकालनी। ठीक है ना, और के की वैल्यू यहाँ पे कंडक्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो के की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला बताया था Z इंटू क्या होता है Z स्टार होता है। ठीक है, अब देखो G की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, G की वैल्यू तो यहाँ पे आपके पास G की वैल्यू 0.55 के बराबर। ठीक है ना, आपको मिली साइमन में नहीं लेनी क्योंकि वैल्यू मिली साइमन निकाल, इसलिए मिली साइमन में लेनी इंटू G स्टार, G स्टार कितना आएगा 1.3, यहाँ पे मीटर में लेनी है क्योंकि ये मीटर में, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा अपॉन में सेंटीमीटर, और एक सेंटीमीटर में कितना होगा 10^-2, तो ऊपर की तरफ आएगा तो आपके पास क्या आएगा 10^2 मीटर के बराबर होगा, 10 क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्या होता है 10^-2 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो आपके पास ये वाली k की वैल्यू आई, अब k की वैल्यू आ गई, अब आपको क्या निकालना है लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट बराबर कितना आएगा k की वैल्यू 0.55 इंटू 1.3 इंटू 10^12 2 अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1000 क्योंकि मीटर में दे रहेगा तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी इंटू यहाँ पे मोलरिटी कितनी आपके पास 0.5 यहाँ पे क्या लोग मिली मोल में, तो 5 इंटू 10^4 कितना करना पड़ेगा -3 करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कर लीजिए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसके पास वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगी, आप इसको पूरा अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगी 14.3 के अप्रोक्सीमेटली आएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो आएगी अप्रोक्सीमेटली 14.3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए भाई, सिक्स वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, इस सेल का आपको ईएमएफ दे रखा है x इंटू 10^-2 के बराबर। ठीक है ना, वोल्ट के अंदर दे रखा है, z किस में जा रहा है Zn+2 के अंदर, 0.1 एम इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, एजी प्लस किस में जा रहा है एजी में जा रहा है। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो पहले मैं ये आपको बता देता हूं कि अगर मैं नर्नस्ट इक्वेशन लिखाता हूं तो ई बराबर क्या होता है ई नॉट -0.059 अपॉन एन लॉग क्या करोगे क्यू के बराबर। ठीक है, अब क्यू में यहां पर क्या आएगा, देखो यहां पर जेड एन किस में जा रहा है Zn+2 के अंदर जा रहा है, जरा ध्यान दीजिए, और प्लस साथ में एजी प्लस वन वाला जो है वो रिड्यूज होकर किस में आ रहा है एजी में आ रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो n की वैल्यू तो आपके पास कितनी आएगी 2 के बराबर। ठीक है ना, अब यहाँ से e की वैल्यू देखो, यहाँ पे e नॉट क्या होगा, e नॉट कैथोड माइनस e नॉट एनोड, अब देखिए ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है Zn+2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये वाला तो पार्ट क्या होगा कैथोड का, और ये वाला पार्ट क्या होगा एनोड का, तो कैथोड का एजी वाला है तो आपके पास क्या होगा 0.80 माइनस कितना करोगे माइनस में आपके पास साथ में माइनस आ गया -0.76 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या ई नॉट की वैल्यू आ गई माइनस, यहां से क्या आएगा 0.059 अपॉन में एन फैक्टर कितना है 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लॉग एजी क्यू आपके पास क्या होगा इस रिएक्शन का क्यू, ये तो होगा नहीं, तो यहां पे क्या होगा Zn+2, ये तो आपके पास क्या आयन की फॉर्म में है नहीं सॉलिड की फॉर्म में, और सॉलिड के केस में कंसंट्रेशन आप कितनी लेते हैं 1 के बराबर, तो Zn+2 अपॉन में क्या आएगा Ag+1 का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करो, देखिए यहां पे ये दोनों आपस में क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो यहां पे 1.56 ठीक है ना -0.059 अपॉन में क्या आएगा 2 लॉग, यहां पे Zn+2 का कंसंट्रेशन दे रखा है अपने पास 10^-1 अपॉन में, यहां पे कितना दे रखा 10^-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला कितना होगा 10^-4 ऊपर जाएगा 10^4 कितना होगा 3 हो जाएगा, सब कट करेगा और 3 10^3 आगे की तरफ आ जाएगा, तो यहां से E की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी 1.56 माइनस कितनी आएगी 0.059 अपॉन में क्या आएगा 2 इनटू साथ में क्या करोगे 3, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.47 ठीक है ना,
तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास 1.47 के बराबर आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलिए अपने पास अगला प्रॉब्लम। सेवन प्रॉब्लम देखिए भाई, सेवन प्रॉब्लम क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। आपको ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ MnO4 माइनस Mn+2 में जा रहा है। ठीक है, रिएक्शन के अंदर क्या है MnO4 माइनस है। ठीक है, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस किस में जा रहा है Mn+2 में जा रहा है। ठीक है भाई, अब इसको बैलेंस करोगे तो यहां से कितना आएगा 4H2 आएगा। ठीक है, 4H2, तो यहां से कितना आएगा 8H+। ठीक है ना, तो और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है कि 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होंगे ना वो कितना आएंगे 5 के बराबर। अब इस रिएक्शन के लिए आपके पास E की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो E0 माइनस कितना आएगा 0.059 अपॉन में क्या आएगा 5, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे 5 आ रहे हैं। और लॉग Q की वैल्यू कितनी आएगी भाई, आयनिक स्पीसीज कौन सी है, तो Mn+2 है। ठीक है ना, और अपॉन में नीचे क्या आएगा H+ की, H की पावर 8 मल्टीप्लाई आपके पास कितना आएगा MnO4 माइनस 1 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले आपके पास क्या आएगी E की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, अब यहां पे पूछा गया क्या है, इफ द H+, यहां पे क्या पूछा गया है कि H+ कंसंट्रेशन इज डिक्रीज फ्रॉम 1m टू 10^-4m, तो H+ का कंसंट्रेशन यहां से यहां तक डिक्रीज किया, तब आपके पास जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, एक तरह से इसमें जो चेंज आ रहा है वो इतना आ रहा है वोल्टेज का चेंज x × 10^-4 वोल्ट के बराबर आया। ठीक है, तो चेंज देखते पहले हम केस इवन ले लेते हैं। ठीक है, इवन वोल्टेज, तो यहां से क्या आएगा E0 माइनस कितना आएगा 0.059 अपॉन में क्या आएगा 5। ठीक है, लॉग M+ का कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं करो, स्टार्ट में ये वाला लिया और स्टार्ट में कंसंट्रेशन H+ का कितना है 1 है, तो H+ की जगह 1 लिख लिया, 1 का कोई फर्क नहीं होगा, तो यहां से आपके पास क्या आएगा MnO4 माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वाला आ गया। दूसरा केस E2 ले लेता हूं, और E2 वाला केस कौन सा है, जब आपके पास कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 10^-4 दे रखा है, तो E0 माइनस 0.059 अपॉन में क्या आएगा 5 लॉग, यहां से आपके पास क्या मिलेगा देखिए, यहां पे Mn+2 अपॉन नीचे की तरफ क्या है 10, H+ का कंसंट्रेशन कितना 10^-4, तो 10^-4 का क्यूब की पावर 8 आ जाएगा, और यहां से क्या आएगा MnO4 माइनस। ठीक है ना, अब देखो चेंज की बात करें तो चेंज इसमें वोल्टेज में चेंज क्या हो रहा है, E2 माइनस E1 करोगे। ठीक है ना, तो अगर आपको वोल्टेज में अगर चेंज करना है तो क्या करोगे E1 माइनस E2 ले लेता हूं मैं, E1 माइनस E2 केस ले लेता हूं। ठीक है ना, अब देखिए E1 माइनस E2 को कैलकुलेट करो आप। ठीक है ना, तो ये E0 कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा, E1 माइनस E2 बराबर किसके बराबर आएगा, तो ये वाली वैल्यू तो कॉमन आ जाएगी, तो 0.059 अपॉन में 5 आपके पास क्या आएगा कॉमन आएगा, और इसमें से इसमें माइनस करोगे ना तो सब कुछ डाटा को अगर सेट करोगे तो आपके पास यहां पे क्या बचेगा log 10^8 बच जाएगा। ठीक है ना, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, log 10^8 बच जाएगा, सॉरी -4 है तो 10^32 है, क्योंकि -4 × 8 कितना होगा 32, तो यहां से इसको बाहर की तरफ लेके आओगे तो 0.059 अपॉन में क्या आएगा 5 × 32 के बराबर है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, एक बार इसको कैलकुलेट करना तो जो भी वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलो एक बार इसकी वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी आपके पास 0.3776। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपके पास कितनी आएगी 0.3776 के बराबर आ जाएगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम। देखो क्या कह रहा है बेटा, E0 M+2 से पॉजिटिव वैल्यू फॉर द फॉलोइंग 3D सीरीज। ठीक है,
तो 3D सीरीज की जो बात करते हैं तो 3D सीरीज में केवल और केवल कॉपर के लिए M प्लस 2 से M की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, केवल और केवल किसके लिए, कॉपर के लिए। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, बाकी सभी के लिए नेगेटिव वैल्यू आती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देखोगे ना तो 3D सीरीज के एलिमेंट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से अबव आते हैं, जबकि कॉपर जो आता है वो हाइड्रोजन से बिलो आएगा। तो जो हाइड्रोजन से बिलो आएगा तो इसकी इनोड की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 9th प्रॉब्लम देखिए भाई। चलो 9th प्रॉब्लम क्या कह रहा है, फॉर द गिवन सेल, आपके पास ये वाला सेल दे रखा है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है ना, तो पहले दोनों तरफ आपके पास कॉपर कॉपर आ रहा है, ठीक है ना, कॉपर प्लस टू आ रहा है। तो ये वाला क्या है, कंसंट्रेशन सेल, और कंसंट्रेशन सेल के अंदर बेटा क्या होता है, इनोड की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर। अब आपको पता है E बराबर क्या होता है, E नोड माइनस 0.0591 ऑन N की वैल्यू यहाँ पे 2 log। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आएगा, C1 आएगा, ठीक है ना, अपॉन में क्या आएगा, C2 के बराबर। कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो ये वाली वैल्यू तो आपको पता है कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या आएगी, जीरो। अब आपको पूछा क्या गया है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव करनी। अब डेल्टा जी जो होता है वो माइनस NFe सेल के बराबर होता है, E नोड के बराबर, ठीक है। अब देखिए आपको डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो करनी, ठीक है ना, तो डेल्टा जी लेस देन जीरो करना मतलब ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी, मतलब इनोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए। अब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है कि लॉग C1 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू लेस देन जीरो आनी चाहिए, और लॉग C1 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू लेस देन जीरो मतलब C1 जो है वो क्या होना चाहिए, C2 से कम होना चाहिए, और C1 C2 से कम। देखो यहाँ पे C2 जो है वो रूट टू ट्वाइस ऑफ C1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें C2 की वैल्यू क्या आएगी, C1 से ज्यादा होगी, जबकि बाकी सभी में आपके पास ये तो हो ही नहीं सकता। इनके केस में C1 की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, जबकि हमको क्या चाहिए, C2 की वैल्यू जो है वो C1 के मुकाबले में क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलिए, अगला प्रॉब्लम, ठीक है ना, अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, प्रॉब्लम को थोड़ा ढंग से समझिए, क्या कह रहा है, 250 ml ऑफ ए वेस्ट सॉल्यूशन ऑब्टेंड फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ ए गोल्डस्मिथ कंटेन 0.1 MaZNO3 एंड 0.1 MaAUCl, ठीक है ना। तो देखो Ag प्लस जो है जब रिड्यूज होगा तो किसमें आएगा, Ag में आएगा, ठीक है ना, सेम Au प्लस 1 वाला जो है रिड्यूज होकर किसमें आएगा, Au में। इसके n फैक्टर की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ रही है, 1 के बराबर, और इसके n फैक्टर की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ रही है, 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन वाज इलेक्ट्रोलाइज एट 2 वोल्ट बाय पासिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पीयर फॉर 15 मिनट, ठीक है। अब दोनों के थ्रू आपके पास क्या गया, सेम करंट पास किया गया और सेम वोल्टेज पास किया गया, ठीक है ना, तो सेम वोल्टेज पास किया गया तो इसका मतलब जो वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। तो यहां से हम ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं, W जो है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब W इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मोलर वेट अपॉन क्या आएगा, n फैक्टर। अब इसमें n फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की बराबर आ रही है, और n फैक्टर की वैल्यू बराबर आ रही है तो वेट जो होगा वो मोलर वेट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा ध्यान दें, सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो डिपोजिट होंगे वो किसके प्रोपोर्शन में होंगे, एक तरह से मोलर वेट के प्रोपोर्शन में या इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शन में। अब इक्विवेलेंट वेट तो क्या होता है, मोलर वेट अपॉन n फैक्टर, और दोनों के लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर n फैक्टर की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, वेट डिपोजिटेड जो होगा वो आपके पास क्या होगा, मोलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलिए, इलेवंथ प्रॉब्लम देखिए बेटा, इलेवंथ प्रॉब्लम क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। इलेवंथ प्रॉब्लम में यहां पे डायग्राम दे रखा है, आपको ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, ठीक है। तो इसको अगर मैं गैल्वेनिक सेल मान लेता हूं तो इसके लिए ई की जो वैल्यू आएगी वो इनोड कैथोड माइनस क्या आएगी, इनोड एनोड, ठीक है। अब इनोड कैथोड आपके पास 0. मैं क्या मान लेता हूँ, ये कॉपर वाला मान लेता हूँ क्योंकि कॉपर में रिडक्शन होगा, 0.34 माइनस कितना आएगा, माइनस 0.76, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 1.1 वोल्ट के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे E बराबर क्या होगा, E नॉट, मतलब देखिए E की वैल्यू जो E नॉट की वैल्यू है इस गैल्वेनिक सेल के लिए 1.1 वोल्ट के बराबर आएगी। अब आपने एक्सटर्नल इसके ऑपोजिट में हमने क्या लगा दिया, एक वोल्टेज लगा दिया, या फिर एक वोल्टेज का सोर्स लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो
जब आप इक्वल अमाउंट में लगाओगे तो इसके ऑपोजिट में इक्वल एक्ट करेगा, तो उस समय आपके पास करंट करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको पूछा क्या गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, ठीक है। अब देखो, जब E एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 वोल्ट के बराबर होगी, मतलब इसके बराबर आ जाएगी, तो इस कंडीशन में तो आपके पास क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, मतलब कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, तो ये वाला थर्ड वाला स्टेटमेंट तो आपके पास क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब देखो, अगर E एक्सटर्नल की वैल्यू, जरा ध्यान दें, अगर 1.1 वोल्ट से कम है, ठीक है ना, 1.1 वोल्ट से कम है, तभी भी आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन जो होगा वो Zn का ही होगा, एनोड का ही ऑक्सीडेशन होगा, पास होगा ना Zn। लेकिन अगर ऑपोजिट हो गया, E एक्सटर्नल की वैल्यू अगर ज्यादा होगी आपके पास 1.1 वोल्ट से, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, और करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो जो पहले कैथोड की तरफ बिहेव करेगा वो एनोड की तरफ बिहेव करेगा, और एनोड वाला जो है वो कैथोड की तरफ बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। तो देखो, जब E एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है तो पहले की तरह नॉर्मली बिहेव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, नॉर्मली आपको पता है कि कॉपर से किसमें जाता है, Zn में जाता है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, जब E एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी 1.1 वोल्ट से कम, मतलब कि करंट की डायरेक्शन आपने अभी चेंज नहीं की, ठीक है ना, उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, Zn तो है, ऑक्सीडाइज होगा, मतलब Zn तो डिजोल्व होगा, जबकि कॉपर जो है वो क्या होगा, आपके पास डिपोजिट होगा। लेकिन अगर E एक्सटर्नल की वैल्यू अगर ज्यादा होती तो जस्ट इसमें ऑपोजिट हो जाता, ऑपोजिट का मतलब क्या होगा, Zn डिजोल्व नहीं होता, Zn डिपोजिट होता, जबकि कॉपर क्या हो जाता, सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाता। ऐसा ऑप्शन के अंदर, ये फोर्थ वाला ऑप्शन में ये वाला दे रखा है, जो कि एकदम क्या है, गलत है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलिए, ट्वेल्थ प्रॉब्लम देखिए बेटा, ट्वेल्थ प्रॉब्लम ध्यान दीजिए, ट्वेल्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ट्वेल्थ प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट इलेक्ट्रोलाइज फॉर 8 मिनट यूजिंग 2 एम्पीयर करंट, 8 मिनट के लिए क्या गया, 2 एम्पीयर करंट पास किया गया, ठीक है ना। इक्वेशन दे रखी, आपको पूछा गया अमाउंट ऑफ सीआर प्लस थ्री ऑप्टेन, ये अमाउंट दे रखा है सीआर प्लस थ्री का ऑप्टेन है, आपको इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की इफिशियंसी निकालनी। तो पहले अगर हम प्रोसेस को अगर आइडियल मानते हैं तो उस समय वेट डिपॉजिट कितना होगा, या फिर सीआर प्लस थ्री कितना ऑप्टेन होगा वो निकाल देते हैं। तो डब्ल्यू बराबर फॉर्मुला अपने पास क्या होता है, जेड आई टी का, ठीक है ना। तो डब्ल्यू बराबर ये क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी, ठीक है ना। तो डब्ल्यू डिपोजिट, ई की वैल्यू, अब देखो ई जो होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, सीआर, सीआर का एटॉमिक वेट कितना दे रखा, 52 दे रखा। अब देखो दो सीआर बन रहे हैं तो एन फैक्टर कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक के लिए कितना होगा, 3 का, तो एन फैक्टर इसके लिए कितना आएगा, 3 का आएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट 52/3 अपॉन फैराडे की वैल्यू आपको पता है 96500 के बराबर आएगी, इनटू टाइम कितना देर का आपके पास, 8 मिनट, 8 मिनट का मतलब क्या उतना होगा, इनटू 60 सेकंड इनटू करना पड़ेगा, और करंट जो दे रखा वो कितना दे रखा, 2 के बराबर, ठीक है। ये तो हमने कैलकुलेट किया जो आइडियल कंडीशन में आपके पास मिलना चाहिए, लेकिन ऑप्टेन कितना हो रहा है, 0.0 आप इसकी पहले वैल्यू को कैलकुलेट, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 0. आपके पास अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.172 ग्राम के बराबर आएगी, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.172 ग्राम के बराबर आएगी, तो ये वाली वैल्यू डब्ल्यू डैश मान लेता हूँ, लेकिन मिल कितनी रही आपके पास, ये वाली मिली, तो मतलब इनकी जो प्रोसेस है वो 100% क्या नहीं, इफिशियंट नहीं, तो एफिशियंसी जो होगी वो कितनी होगी, W डिवाइड बाई W डैश, W डैश मतलब आइडियल कंडीशन में इंटू 100, तो W की वैल्यू कितनी है आपके पास, W की वैल्यू आपके पास 0.104 अपॉन में क्या है 0.172 इंटू क्या करोगे 100 कर लोगे, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 60% के बराबर आएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा इसका कितना आएगा, 60% आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब देखो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा ढंग से देखिए भाई, ठीक है ना। पहले प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम को ढंग से समझिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम सोडियम, सोडियम के थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक, सोडियम का वर्क फंक्शन दे रखा अपने पास कितना देगा, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्टॉप बाय द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन सेल, ये वाला सेल है इसका आउटपुट वोल्टेज है, ये हमने ऑब्टेन किया, ठीक है भाई। इसके लिए इनोड की वैल्यू भी दे रखी है AgCl, AgCl- के लिए 0.22 वोल्ट के बराबर दे रखी, ठीक है भाई।
और पीएच की वैल्यू अपने पास कितना है, 1 है, मतलब इनकी कंसंट्रेशन एच प्लस कर देंगे 10^-1, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द पीएच ऑफ एक्वस एचसीएल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम, यहां से अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट आता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तब उस कंडीशन में इसके उसको रोकने के लिए, किसको, वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को रोकने के लिए आपके पास एचसीएल की कितने पीएच की जरूरत पड़ेगी वो आपको पूछा है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं इस सेल की इनोड की वैल्यू, इनोड की ई की वैल्यू निकाल देता हूं, ठीक है ना। ये वाला जो सेल दे रखा है इसके लिए ई की वैल्यू निकाल देता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये जरा ध्यान दीजिए कि एच टू जो होता है, यहां पर देखो एच टू है, एच टू ऑक्सीडेज हो रहा है एच प्लस के अंदर, एच टू एच प्लस के अंदर ऑक्सीडेज हो रहा है, और बैलेंस करोगे तो यहां पे क्या आएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ AgCl जो है ना, AgCl इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कैप्चर कर, ठीक है ना, कैथोड पे, और Ag प्लस वाला रिड्यूस होकर Ag जीरो मार रहा है, यहां पे क्या आएगा, Cl माइनस, ठीक है। अब इन दोनों को अगर बैलेंस करोगे, पूरी रिएक्शन को लिखोगे तो यहां पर क्या आएगा, हाफ एच टू, जरा ध्यान देना, हाफ एच टू प्लस साथ में आपके पास क्या आएगा, AgCl, ठीक है ना, विल गिव यू यहां से क्या आएगा, एच प्लस प्लस साथ में Ag प्लस साथ में क्या आएगा, Cl माइनस, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन के लिए अगर E की वैल्यू की अगर बात करो तो E बराबर क्या होता है, E नॉट माइनस 0.059 या अप्रोक्सीमेटली 6 मान लीजिए, अपॉन में N फैक्टर इसमें कितना रहा, 1 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कट कितना रहा, 1, 1 लॉग यहां से क्या आएगा, एच प्लस का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई Cl माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन में प्रेशर, यहां पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्म है, और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म है तो यहां पे क्या आएगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ 1/2, ठीक है ना। अब यहां से E की वैल्यू, E नॉट की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 0.22 वोल्ट, जरा ध्यान दें, 0.22 वोल्ट दे रखे माइनस, तो यहां से क्या आएगा, 0.06 अपॉन में 1 लॉग। अब एच प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वही सी एल माइनस का होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर लेना पड़ेगा। तो पीएच 1 दे रहेगा, जिसका मतलब क्या, 10^-1 × 10^-1, ठीक है। अब यहां पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 1 एटीएम के बराबर देगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिवाइड करोगे तो वापस वो कब आ जाएगा, तो ये वाला होगा 10^-2, तो E की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, 0.22, जरा ध्यान देना, 0.22 माइनस, ये 10^ कितना होगा, -2 आएगा, और -2 आगे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहां पर 0.06 × 2, तो यहां से E की जो वैल्यू आएगी 0.22 प्लस साथ में आपके पास क्या आएगा, 0.12, तो यहां से E की वैल्यू आएगी 0.34 वोल्ट के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इस जगह पे आपके पास E की जो वैल्यू आएगी ना इस रिएक्शन के लिए वो आपके पास कितनी आएगी, 0.34 वोल्ट के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले एक बार यहां से कैलकुलेट कर लिया कि इसकी जो वैल्यू आ रही है इसके लिए, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए जो कंडीशन दे रखी है इसके अनुसार E की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.34 वोल्ट के बराबर आ रही है। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पे वर्क फंक्शन कितना है आपके पास, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास वर्क फंक्शन है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब वोल्टेज कितना हुआ है आपके पास, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, तो वोल्टेज होगा कितना, 2.3 वोल्ट के बराबर। तो आपको अगर पूछे कि वोल्टेज, आप अगर पूछे थे वोल्टेज ऑफ, ऐसे कह सकते कि फोटोन जो इसके ऊपर गिरा इसका टोटल कितना आना चाहिए, 0.34, तो ये है रिक्वायर्ड, प्लस साथ में वर्क फंक्शन जो जो प्रेजेंट है, तो 2.3, तो टोटल जो होगा ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 2.64 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आएगा कि जो फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है उसका टोटल वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज या फिर टोटल एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना पड़ेगा, और वोल्टेज है तो उसमें लिखना पड़ेगा, वोल्ट के अंदर लिखना पड़ेगा, तो 2.64। अब यहां पे क्या कह रहे, पीएच ऑफ, यहां पे ध्यान रखना, पीएच ऑफ एक्वस एचसीएल रिक्वायर्ड टू स्टॉप, अब आपके पास कितना देर का वर्क फंक्शन, 2.25 वोल्ट देर का, ठीक है। तो वर्क फंक्शन तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.25 ये तो आपको लेस करना पड़ेगा, तो 2.64 तो हमको जो एनर्जी इसके ऊपर गिर रही है, ठीक है ना, फोटोन की एनर्जी इसके ऊपर गिर रही है, उसमें से वर्क फंक्शन क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो वर्क फंक्शन लेस करोगे तो कितना आएगा, ये वाला 9 हो गया, और यहां पे कितना आएगा, 5, तो यहां पे आपके पास कितना हो गया, एक तरह से 0.39, ठीक है। तो 0.39 जो है वोल्टेज है इसके लिए जरूरत पड़ेगी रोकने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक
ये जो है फोटोइलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए 0.39 वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही? अब देखो हमारे पास इक्वेशन है, जरा ध्यान से देखना। अब देखो वापिस इक्वेशन पे जाते हैं। E बराबर क्या आएगा? E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर इसके लिए कितना लिया था? 1 ही लिया था, ठीक है, log। यहां पे आपके पास क्या आया था? H प्लस का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय Cl माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन में कितना आया था? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1 बाय, ठीक है। अब E हमको कितना चाहिए? 0.34 वोल्ट चाहिए, ठीक है। ये वाली E नॉट की वैल्यू पता है कि 0.22 माइनस 0. इसको मैं शॉर्ट में 0.6 लिख सकता हूं, log। इसको मैंने क्या मान लिया? x, तो इसका भी कंसंट्रेशन कितना आएगा? x। और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा? 1 के बराबर। तो यहां से कितना होगा? ये x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप आगे की तरफ लेके जाइए, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप इधर की तरफ लेके जाओगे तो 0.34 में से अगर 0.22 करो तो 0. कितना होगा? 1, ठीक है ना। दैट विल इक्वल टू आपके पास कितना है? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -0.12 आपके पास कितना आएगा? log कितना आएगा? x के बराबर, ठीक है। अब इसको यहां से ये वाली जो वैल्यू होती है एक तरह से क्या है? यही तो पीएच है। तो पीएच बराबर क्या आएगा? 0.12 डिवाइड बाय क्या आएगा? 0.12। तो आपके पास कितना आएगा? 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलिए, चलो नेक्स्ट। चलिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपके पास? ये कह रहा है कि फॉर द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना है? एलएन के की वैल्यू निकालना। क्या निकाली? एलएन, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है कि डेल्टा जी जो होता है वो -2.303 को हटा दे तो आरटी एलएन के बराबर होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है ना। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, ठीक है ना। और सेम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आपके पास क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर होता है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल कर लोगे तो यहां से क्या आएगा? एन एफ ई नॉट सेल दैट विल इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? आर टी एल एन के। आपको निकाले एल एन के वैल्यू, ठीक है। तो एल एन के बराबर जो होगा, एल एन के बराबर यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे? 1 होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा, एन टू F को मैं क्या लिख लेता हूं? F लिख लेता हूं, इनटू E नॉट सेल। अब देखो E नॉट सेल की वैल्यू निकाल। E नॉट सेल क्या होता है? E नॉट कैथोड माइनस क्या होगा? E नॉट एनोड के बराबर, ठीक है। अब देखो कॉपर प्लस 1 वाला जो है वो किस में जा रहा है? कॉपर 0 में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका तो क्या होगा? कॉपर प्लस 1 वाला तो क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? कॉपर प्लस 1 वाला जो है कॉपर 0 में जाएगा तो वो क्या करेगा? कैथोड की तरफ बिहेव करेगा, तो 0.52 माइनस कितना करना पड़ेगा? अब देखिए कॉपर प्लस 1 वाला कॉपर प्लस 2 में जा रहा है, ठीक है ना। कॉपर प्लस 1 वाला किस में जा रहा है? कॉपर प्लस 2 में जा रहा है। तो इसके लिए आपके पास इनोड की वैल्यू कितनी आ रही है? पास 0.16, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एल एन के, अच्छा यहाँ पे आर टी भी तो था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर टी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो यहां से आर टी आपके पास क्या आएगा? नीचे की तरफ। तो एफ डिवाइड बाय आर टी की जो वैल्यू दे रखी है ना वो आपके पास दे रखी है कितनी? एफ डिवाइड बाई आर टी की वैल्यू, आर टी डिवाइड बाई एफ की वैल्यू ये वाली दे रखी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई 0.025 इनटू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहां से कितना आएगा? 0.36 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आएगी? एल एन के की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 14.4 के बराबर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। चलो नेक्स्ट चलिए, अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन दे रही कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन और एसएन प्लस 2 की कंसंट्रेशन सेम दे रही, ये वाली अभिक्रिया। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होंगे वो कितने होंगे? 2 के बराबर, क्योंकि कॉपर प्लस 2 में जा रहा है, एसएन प्लस 2 एसएन 0 में आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकाल, ठीक है। तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से, ठीक है।
तो पहले मैं क्या निकाल दू, ई सेल की वैल्यू निकाल दू, ई सेल बराबर क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। अब क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें देखो प्रोडक्ट में क्या है, कॉपर प्लस टू आ रहा है, ठीक है ना, का कंसंट्रेशन अपॉन में क्या है, Sn प्लस टू का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू कितनी दे रही है, 1 दे रही है, तो यहां पे भी 1 पुट करूंगा, यहां पे 1 पुट करूं तो लॉग 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहां से ई सेल की वैल्यू जो होगी वो ई नॉट सेल के बराबर ही होगी, ठीक है बेटा। अब ई नॉट सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई नॉट। अब कॉपर जो जा रहा है, कॉपर प्लस टू में जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होती है, तो क्या करेगा, एनोड की तरफ बिहेव करेगा, तो कॉपर एनोड की तरह और कैथोड की तरह ये वाला, तो माइनस यहां पे कितना है, माइनस 0.16, माइनस कितना करोगे आपके पास 0.34 के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से इनोड की वैल्यू निकाल, तो इनोड की वैल्यू निकालोगे तो यहां पे 6 एंड 4 यहां पे कितने आएगी, 50 के बराबर, ठीक है ना, तो माइनस 0.50 के बराबर आएगी ये वाली इनोड की वैल्यू, ठीक है, 0.50 के बराबर, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी चाहिए ना हमको, तो डेल्टा जी बराबर क्या आएगा, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी आएगी 96500 इनटू आपके पास कितना आएगा 0.50 आएगा, क्या आएगा 0.50, 0.50 का मतलब क्या होगा 100, इसका मतलब क्या होगा 1/2। अच्छा इसके आगे माइनस का साइन भी तो था, इसके आगे आप माइनस का साइन लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, तो ये 2 कट गया, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो आएगी वो 96500 जूल के बराबर है, तो यहां पे डेल्टा जी की वैल्यू आएगी 96500 जूल के बराबर आ जाएगी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप, 16 ध्यान दें, 16 वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KCl इन बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक मीडियम के अंदर Cl- का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तब आपके पास Cl3- मतलब KClO3 बना। अब ये क्या कह रहा है कि ओनली 60% ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन द रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर केवल और केवल 60% करंट ही यूज हो रहा है। आपको बता दें टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम KClO3 यूजिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है, KClO3 का 10 ग्राम। अब देखो फेराडे के लॉ के अनुसार W इज इक्वल टू क्या होता है, ZIT, सिंपल तरीके से W इज इक्वल टू क्या आएगा, ZIT, ठीक है। आपको टाइम निकालना है, W यहां पे कितना मिल रहा है आपको, देखो W आपको 10 ग्राम मिल रहा है, तो W यहां पे कितना ले लिया 10 ग्राम, दैट वुड इक्वल टू, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट रेट अपॉन F, F की वैल्यू आपको पता होती है, F की वैल्यू कितनी होती है 96500 के बराबर, इनटू जरा ध्यान देना यहां पे I कितना दे रहेगा, 2 एम्पियर दे रहा है, लेकिन I का कितना परसेंटेज यूज हुआ, I का 60% यूज है, तो 60% का मतलब क्या होगा, 60/100 इनटू टाइम आपको दिखाना। अब देखो इक्विवेलेंट वेट की अगर बात करें ना, तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है m डिवाइड बाय n फैक्टर, ठीक है। अब m की वैल्यू कितनी दे रखी, KClO3 की दे रखी है, नीचे देखो KClO3 की कितनी दे रखी है, 122 दे रखी, ठीक है, अपॉन में n फैक्टर। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से किस में जा रहा है, +5 में जा रहा है, तो टोटल चेंज कितना है, +6 का, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा n फैक्टर, तो n फैक्टर की वैल्यू यहां पे 6 लिख लीजिए आपके पास यहां से, तो यहां से आप क्या करोगे, t को कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू को आप इसके अंदर पुट अप कर लोगे, तो यहां से आपके पास इजीली क्या आएगी, t की वैल्यू आ जाएगी, बात समझ में आ रही, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इससे आपके पास कितनी आएगी, t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलिए, अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच 3 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, मतलब n की वैल्यू 3 के बराबर दे रखी, ठीक है, डेल्टा जी नॉट दे रखा है, आपको ई नॉट की वैल्यू निकाल, एकदम सिंपल प्रॉब्लम, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। अब देखिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी, 17.37, और इसको आपको जूल में लिखना होगा, तो 10^3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3, एफ की वैल्यू कितनी है 96500, और यहां से आपके पास क्या आएगी, ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ई नॉट की वैल्यू आप निकाल दो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अगला चलो अगला प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए, द एनोडिक हाफ सेल ऑफ लेड एसिड बैटरी इज रिचार्ज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 0.05, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्यू की जो वैल्यू पास की 0.05 के बराबर पास की, द अमाउंट ऑफ PbSO4 इलेक्ट्रोलाइट्स इन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, द
तो आपको बताना है PbSO4 का आपको ग्राम के अंदर क्या बताना है, अमाउंट बताना है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले जब भी हम PbSO4 की बात करें तो PB+ to PB+4 में जाएगा, ठीक है, रिचार्जिंग के दौरान। तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी लेनी आपको, 2 के बराबर लेनी, ठीक है, पहली बात तो ये तय कर ले। अब W बराबर क्या होता है, Z into Q, ठीक है, तो W बराबर Z क्या लिख सकते हो, मैं E/F के बराबर लिख सकता हूँ into Q, ठीक है ना। अब W बराबर जरा ध्यान दे, E क्या होगा, मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मोलर वेट कितना दे देगा 303 अपॉन एन फैक्टर कितना आपके पास 2 के बराबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना आएगा 2 के बराबर आएगा, ठीक है, और अपॉन एफ, एफ है ये, और इनटू क्यू कितना दे रखा है अपने पास, क्यू अपने पास 0.05 फेराडे, यहाँ पे एफ है 0.05 फेराडे, तो यहां से एफ की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, अपॉन में क्या आएगा 100 आ जाएगा, तो यहां से डब्ल्यू बराबर क्या आएगा 303 को 5 से, 303 था ना, देखिए हाँ 303 को 5 से मल्टीप्लाई किए 15 डिवाइड बाई आपके पास 2 into 100, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान दीजिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज, इनोड की वैल्यू दे रखी 2 वोल्ट के बराबर, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू से कैलकुलेट करोगे, डेल्टा जी की वैल्यू -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, दैट विल इक्वल टू, जरा ध्यान दे, वो आपके पास क्या आएगा -NF इनोड सेल के, इनोड सेल की वैल्यू कितनी दे रखी 2 के बराबर दे रखी, ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते, यहां से यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे, 2 हो रहे, तो यहां पे 2 लिख लीजिए, इसको इधर भेजिए, तो -2.303 R अपॉन में क्या आएगा F आ जाएगा, ठीक है ना, R अपॉन में क्या आएगा F इंटू क्या आएगा 2 भी तो आएगा, ठीक है ना, और 2 को उधर ही लिख लीजिए आप, ठीक है, 2 को इधर ही रहने दीजिए, इजिकल टू क्या आएगा ये वाला 4 के बराबर आएगा, ठीक है। चलो अब ये वाली वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है अपने पास, ये वाली इधर साथ में लॉग के सी, माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, लॉग के सी, लॉग के सी इसकी वैल्यू होती है 0.06 अप्रोक्सीमेट मान लेता हूँ, तो 0.059 होती है 0.06 लॉग के सी दैट विल इक्वल टू कितना आएगा 4 के बराबर आ जाएगा, इंटू एफ भी तो है, इंटू आपके पास क्या दे रखा है, अच्छा इसको एफ को तो इसमें वैल्यू के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है, तो लॉग के सी बराबर कितना आएगा आपके पास 4 अपॉन में क्या आएगा 0.06। लेकिन एक बात ध्यान दें, अपन थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर रहे कि बेटा यहाँ पे ई की पावर में दे रखा है, किसमें दे रखा है, ई की पावर में दे रखा है, तो जब e की पावर में दे रखा तो हम कोशिश करेंगे e की पावर में ही आंसर लेके आए, हम लॉग बेस 10 क्यों ले वहां पे, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लॉग बेस 10 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे e की टर्म में लेंगे, ठीक है। चलो वापस देख लेते एक बार, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने लॉग बेस 10 ले लिया, हमको लॉग बेस 10 नहीं लेना है, आपको ln में ही लेना है, क्योंकि e की पावर में दे रखा, ठीक है ना, तो वापिस में लिख ले तो -RT ln K इक्विलिब्रियम दैट विल इक्वल टू -N2 और NFE सेल, ठीक है, ये वाला लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2F F की वैल्यू 96500 अपॉन में क्या आएगा R, R की वैल्यू कितनी है 8.314 इनटू अपने पास टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना देगा 300 केल्विन, ठीक है, और इनोड की वैल्यू कितनी देर की 2 के बराबर, ठीक है, तो यहां से इसको आप कैलकुलेट करोगे ना इसकी वैल्यू क्या आएगी 160 के बराबर आएगी, तो यहां से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आएगी e की पावर 160 के बराबर, तो यहां पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो होगी बेटा कितनी होगी e की पावर 160, e की पावर 160 का मतलब क्या होगा थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, अगला प्रॉब्लम, तो देखिए बेटा अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आपके पास इनोड की वैल्यू दे रही है, ठीक है ना, तो ध्यान दें SRP की वैल्यू जितनी नेगेटिव में ज्यादा होती है इसकी अपचायक क्षमता क्या होती है ज्यादा होती है, रेडिंग पावर उतनी ज्यादा होती है, तो नेगेटिव में सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, देखो नेगेटिव में सबसे ज्यादा आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी, तो कैल्शियम की सबसे ज्यादा आ रही है, तो कैल्शियम की अपचायक पावर सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में किसकी आ रही है, उसके बाद में आ रही है आपके पास मैग्नीशियम की नेगेटिव, उसके बाद में आ रही है Zn की, और उसके बाद में क्या आएगी Na की, तो ये वाला ऑर्डर आएगा, ठीक है। अब ये वाला कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम के बाद Zn के बाद में आ रही, तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, सिंपल प्रॉब्लम, इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान दीजिए,
आपको प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि पीटी एच टू एस सी एल एस सी एल में दे रखा है, आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू दिखानी, ठीक है ना। आपको क्या निकालनी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी, ठीक है। चलो तो देखो जैसे रिएक्शन दे रखी, ये तो पता है कि H2 जो है वो किस में जाएगा, हाफ H2, वो H प्लस प्लस साथ में इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में क्या आएगा कि जो AgCl है ना वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा कैथोड पे, तो यहां से Ag प्लस साथ में क्या आएगा, Cl माइनस। ऑल ओवर अगर रिएक्शन की अगर बात करूं ना मैं, तो ऑल ओवर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, देखिए यहां से क्या आएगा, हाफ H2 प्लस साथ में क्या आएगा, AgCl प्लस साथ में इलेक्ट्रॉन विल गिव यू H प्लस प्लस साथ में Ag प्लस साथ में क्या आएगा, Cl माइनस, ठीक है। अब इसके लिए आपको निकालने क्या वैल्यू, E नॉट की वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। तो E नॉट की वैल्यू अलग अलग कर सकते हैं, तो E बराबर क्या आएगा, E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N, N log, K की वैल्यू कितनी आएगी, H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा आपके पास, Cl माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2, ठीक है। E नॉट की वैल्यू कितनी देर की बड़ा, 0.90 के बराबर देर के, माइनस 0.0591 अपॉन N। इस रिएक्शन के लिए N कितना, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कितना हो रहा है, 1, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट 1 हो रहा है, तो ये वाला आएगा log। अब H प्लस का कंसंट्रेशन यहां पर कितना आएगा, 10^-6, और यहां पे भी कितना है, 10^-6, और प्रेशर आपके पास कितना देगा, 1 बार देगा, तो इसकी वैल्यू 1 लिखोगे, ठीक है। तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0.90 माइनस क्या आएगा, ये वाली वैल्यू को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0.92, और यहाँ पे भी 0.92 माइनस, इसको मैं 0.06 लिख सकता हूँ, और ये वाला क्या होगा, -6 -12 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इनटू क्या कर लोगे, 12, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.94 के बराबर, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए, देखिए बड़ा 22 प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि आपके पास ये वाला सेल दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं E की वैल्यू, तो E नॉट कैथोड माइनस क्या आएगा, E नॉट एरो, ठीक है। तो कैथोड पे तो आपके पास क्या है, ये M, कैथोड पे क्या है, M है, और E कैथोड, और एनोड भी क्या है, Zn, और Zn के लिए आपके पास E नॉट की वैल्यू कितनी देर की, -0.6, तो -0.76, तो ये वाली क्या हो जाएगी, प्लस E कैथोड प्लस साथ में क्या आएगा, 0.76, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, विच कैथोड विल गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनोड सेल, आपको ये बताना है कि कौन सा कैथोड जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनोड सेल प्रोवाइड करता है। तो जाहिर सी बात है, जिसकी ईसी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब ई की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा, और पॉजिटिव में सबसे ज्यादा किसकी आ रही है आपके पास, एयू की आ रही है, इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखिए, ट्वेंटी थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, केसी की वैल्यू दे रही है 10^-15, और E नॉट सेल की वैल्यू आपको निकाल, ठीक है ना। तो देखो एन एफ ई सेल बराबर कितना आएगा आपके पास, आर टी या फिर 2.303 आर टी लॉग केसी के बराबर, ठीक है। अब देखो एन N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें कितने होंगे, 2 के बराबर, इनटू F, F अपने पास, F को F लिखी, E नॉट सेल की वैल्यू आपको निकालनी, इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग लॉग केसी की वैल्यू कितनी दे रखी, 10^16 दे रखी ना, ये देखो केसी की वैल्यू दे रखी अपने पास, ठीक है। तो यहां से E सेल की वैल्यू निकाल सकते, E सेल बराबर कितना आएगा, देखो 2.303 आर टी अपॉन में 2 इंटू F, log 16 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो RT upon F की वैल्यू 2.303 RT upon F की वैल्यू दे रखी है अपने पास, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 0.059 upon में क्या है, 2 into क्या आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो आपको कौन सा आएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम चलिए, 24 देखिए बेटा, 24 प्रॉब्लम इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं, ठीक है ना।
आपको पूछा गया क्या है, लैम्डा नॉट एम दे रखा है, ठीक है, एन ए सी एस एल ये वाला, ठीक है, अलग अलग के लिए। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m, कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो एक फॉर्मूला बता दो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, अल्फा के लिए फॉर्मूला जो होता है वो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम होता है, ठीक है। तो एक में क्या निकालेंगे, लैम्डा एम की वैल्यू निकालेंगे, एक में निकालेंगे लैम्डा नॉट एम की। तो पहले लैम्डा एम, लैम्डा नॉट एम निकालते, किसका निकालें, एच ए का निकालें, किसका निकालें, एच ए का। तो एच ए का निकालें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एच ए, एच ए का किसके अंदर है, एन ए, ए के अंदर आएगा, प्लस साथ में क्या आएगा, एच सी एल के अंदर आएगा, माइनस एन ए सी एल को हटा दोगे तो सी एल भी हट जाएगा और ये कुल मिला के एच ए बच जाएगा। अब एन ए के लिए वैल्यू कितनी देर की आपके पास, एन ए के लिए 126.4 प्लस एच सी एल के लिए कितनी देर की 425.9 माइनस एन ए ए के लिए कितनी देर की, एन ए सी एल, एन ए सी एल सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, यहाँ पे एन ए के लिए वैल्यू जो देर की है 100.5, ठीक है बेटा 100.5 प्लस एच सी एल के दे रखी है आपके पास 425.9 और माइनस कितनी करोगे आपके पास 126.4 माइनस करो। तो इससे तो आपके पास क्या आएगा, लैम्डा नॉट एम की वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू जो है लैम्डा नॉट एम की वैल्यू, इसको आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए आपको दूसरा क्या निकालना है, लैम्डा एम की वैल्यू। तो लैम्डा एम के लिए फॉर्मूला होता है के इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा एम, ठीक है। अब के की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखो के की वैल्यू, के की वैल्यू अपने पास कंडक्टिविटी दे रखी है ना ये वाली, ठीक है ना। तो 5 × 10⁻³ कितना आएगा बताइए, -5 × 10⁻³ है ये, अपॉन में एम कितना है, ये कितना है 10⁻³, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपके पास 5 × आपके पास कितना हो गया, ये 10⁻⁶ हो गया, तो 5 × 10, ठीक है ना। तो लैम्डा एम 50 हो गया और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, अल्फा जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो अगले प्रॉब्लम्स जो है सरफेस केमिस्ट्री की प्रॉब्लम, बेटा सरफेस केमिस्ट्री की प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंडली आइसोथर्म एट मॉडरेट प्रेशर, ठीक है ना। तो देखो आपको पता है कि x बाई एम जो होता है वो के पी की पावर 1/m होता है, ठीक है 1/m, और मॉडरेट प्रेशर पे हम क्या लेते हैं 1/n लेते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या लेते हैं इसकी वैल्यू 0 के बराबर ले लेते हैं, और लो टेम्परेचर पे क्या लेते हैं 1, और मॉडरेट प्रेशर पे हम क्या लेते हैं 1/n। तो आपके पास क्या आएगा, फोर्थ वाला आंसर आएगा, ठीक है। चलो प्रॉब्लम नंबर दूसरा, दूसरा प्रॉब्लम ध्यान दीजिए, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस लाइन का स्लोप बताना है। तो देखो x by m जो होता है वो क्या होता है, log, सॉरी k p की पावर 1/n, ठीक है। दोनों तरफ अगर log लूंगा तो log x by m जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1/n log p प्लस log k के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या है y एक्सिस पे आपके पास, और ये वाला क्या है x एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c आ जाएगा। तो m जो आएगा स्लोप, स्लोप जो आएगा वो 1/n के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां पे स्लोप जो आएगा वो कितना आएगा, 1/n के बराबर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आपके पास 0 से 1 के बीच में हम यहां पे कैरी आउट करा दें, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान रखें स्लोप जो आएगा 1/n के बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए, थर्ड वाला प्रॉब्लम देखिए बेटा क्या कह रहा है, थर्ड वाले प्रॉब्लम को ढंग से देखिए। 3.12 ग्राम ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन 1.2 ग्राम प्लेटिनम मेटल, प्लेटिनम मेटल कितना है 1.2 ग्राम, उस पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब जो हो रही है वो कितनी हो रही, 3.2 ग्राम हो रही, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब पर ग्राम, आपको वॉल्यूम बताना है, ठीक है। आर की वैल्यू दे रखी है, प्रेशर टेम्परेचर दे रखा, ठीक है। तो देखो 3.2 ग्राम ऑक्सीजन तो हम क्या निकाल सकते हैं, पीवी बराबर एनआरटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर, प्रेशर अपने पास 1 atm दे रखा है और वॉल्यूम हमको निकालना है, इज इक्वल टू एन की वैल्यू 3.12 डिवाइड बाय क्या आएगा 32 इनटू 0.0821 इनटू टेम्परेचर कितना दे रखा है अपने पास 300 केल्विन दे रखा है, ठीक है। यहां से आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, क्या निकालोगे, वॉल्यूम, ठीक है। अब ये वाला वॉल्यूम किस पे ऑक्यूपाई कर रहा है, 1.2 ग्राम पे वी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 1 ग्राम पे कितना करेगा, 1 ग्राम पे आप क्या करोगे, वी डिवाइड बाय 1.2 किलो,
तो जो भी वॉल्यूम आपके आपके पास जो दे रखा है ना, जो भी इसको आप कैलकुलेट करोगे V की वैल्यू, V जो आएगी इसमें V पुट अप कर लोगे और 1.2 ग्राम पे ये एडजॉर्ब हो रहा है, तो 1 ग्राम पे कितना होगा V डिवाइड बाय 1.2 के बराबर कर लो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखिए, आपको क्या कह रहा है कि हाइड्रोफिलिक सॉल के बारे में पूछा है, हाइड्रोफिलिक सॉल के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट बताना। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन से देखते, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दीज सॉल्स आर रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है सही बात है। दूसरा, दीज सॉल्स कैन नॉट बी इजीली कोगुलेट, सही बात, स्टेबल होते। थर्ड क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रोलाइट फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती नहीं, और देयर विस्कोसिटी इज ऑर्डर ऑफ दैट ऑफ H2, गलत बात, इसकी विस्कोसिटी होते H2 के मुकाबले में क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है भाई। H2 की विस्कोसिटी के मुकाबले में ज्यादा होती है, तो इसके ऑर्डर की नहीं होगी, तो फॉल्स का पूछा है, तो फोर्थ वाला जो आएगा आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलिए फिफ्थ वाला प्रॉब्लम देखिए, आपको पूछा है क्रांतिक ताप क्या, तो सिंपल है, क्रांतिक ताप वह ताप है जिस पर क्या होता है, बेसिकली जिसके ऊपर क्या होता है, मिसेली का निर्माण हो जाता है। एक तो सीएमसी होता है क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप वह तापमान होता है जिसके ऊपर क्या होता है, मिसेल का आसानी से निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉलिक्यूलर स्टेटमेंट व्हाट हैपेंड एट सीएमसी। देखो सीएमसी पे क्या होता है, मिसेली का फॉर्मेशन होता है भाई, क्रिटिकल मिसेली कंसंट्रेशन पे क्या होता है, मिसेली का निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है। ठीक है, अब मिसेल का निर्माण होता है तो मिसेल तो बेसिकली क्या होता है, गुच्छा होता है एक तरह से। अब इन्होंने ये बताया कि जिसको अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, सर्फेक्टेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, जिसमें ये वाला पार्ट क्या है, पोलर है, जबकि ये वाला पार्ट क्या माना है इन्होंने, नॉन पोलर माना। ठीक है, नॉन पोलर, ठीक है, और वाटर इसके अंदर है। अब इसके अंदर जो आ रहा है, देखो पोलर पोलर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पोलर पोलर का मतलब क्या होगा, वाटर जो है पोलर होता है और ये भी पोलर को अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मिसिली जो होती है वो क्लस्टर होता है, इसमें कहीं पे क्लस्टर नहीं बन रहा, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्लस्टर हमेशा वो वहां पे पर्टिकुलर इस फॉर्म होगा कि एक तरफ हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट एक जगह एक साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते सी एंड डी की। अब देखो ये वाला जो है हाइड्रो कौन सा है, फिलिक है, ये भाई वाटर से रिपेल होगा कि, ये वाटर से रिपेल क्यों होगा, हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफिलिक है तो इसका मतलब वाटर से, ये पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट वाटर की तरफ अटैक होना चाहिए, जबकि ये वाला पोलर पार्ट है तो वाटर की तरफ अटैक हो, तो ये वाला सही है, और बाकी अंदर क्या हो रहा है, एक तरह से मिसेली का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो सेवंथ प्रॉब्लम देखिए बेटा, सेवंथ देखो, सेवंथ प्रॉब्लम किसके बारे में दे रखा है आपको, एडजॉर्प्शन के बारे में दे रखा है, मतलब एडजॉर्प्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव एज एडजॉर्प्शन प्रोसीड, तो जैसे जैसे स्टार्ट में एडजॉर्प्शन होगा तो एडजॉर्प्शन का अमाउंट ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन का अमाउंट ज्यादा होगा इसका मतलब हीट लिबरेटेड ज्यादा होगी, और जैसे जैसे लेयर बन जाएगी तो फिर बाद में एडजॉर्प्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा, और कम होता रहेगा तो इसका मतलब डेल्टा एच का मान ऋणात्मक क्या होगा, कम होता रहेगा। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपके पास क्या है, सही। सेकंड, ऑन द गिवन एडजॉर्बेंट अमोनिया इज एडजॉर्ब मोर देन नाइट्रोजन गैस, एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट पे अमोनिया और नाइट्रोजन अगर कंपेयर करें ना, तो अमोनिया पोलर है और नाइट्रोजन नॉन पोलर, और दूसरी बात अमोनिया जो है अमोनियम हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, इसलिए अमोनिया जो है वो ज्यादा एडजॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही हो जाएगा। सी वाला क्या कह रहा है, ऑन एडजॉर्प्शन द रेजिडुअल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीज, गलत बात। देखो अगर मैं पर्टिकुलर सरफेस की अगर बात करूं तो सरफेस पे फोर्सेस जो होते हैं वो इस तरीके से होगी। ठीक है, और जब यहां पे एडजॉर्प्शन हो चुका होगा, तो एडजॉर्प्शन हो चुका होगा तो उस कंडीशन में फोर्सेस सभी तरफ लागू होगी, तो ऑल ओवर रिजल्टेंट फोर्सेस जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, डी वाला, द इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीजेस, गलत बात।
बेसिकली एडजॉर्प्शन का प्रोसेस जो होता है वो एग्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, और ली केटलर प्रिंसिपल के अनुसार अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी, तो एडजॉर्प्शन का अमाउंट कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पे इन जनरल एडजॉर्प्शन का अमाउंट कम हो जाता है, तो फोर्थ वाली बात गलत है। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा है, ए एंड बी, और ए एंड बी किस में आ रहा है, फर्स्ट के अंदर आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा बड़ा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। एट्थ वाला प्रॉब्लम ध्यान दें, एट्थ वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि फ्रेंडली चाइसोथर्म ए प्लॉट लॉग एक्स बाई एम वर्सेस लॉग पी के बीच में ग्राफ दे रखा है। ठीक है, द इंटरसेप्ट दे रखा है, वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, एंड स्लोप दे रखा है। तो इंटरसेप्ट को हम क्या मान लेते, सी मान लेते, सी बराबर कितना होगा 0.4771। ठीक है, एंड दूसरा स्लोप जो दे रखा वो कितना दे रखा, 2 के बराबर। ठीक है, द मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। ठीक है, तो पहले एक बात बताऊं मैं आपको, x बाई एम जो होता है वो के पी की पावर 1 बाई एन के बराबर। तो यहां से log x बाई एम जो होगा वो क्या होगा, 1 बाई एन log p प्लस log k के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपके पास y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, ये वाला दे रखा, तो ये तो है y इंटरसेप्ट पास log k। तो देखो log x बाई एम जरा ध्यान देना, और इसकी वैल्यू m की वैल्यू कितनी दे रखी, स्लोप की वैल्यू टोटल 2 दे रखी, log p प्लस 0.4771। ठीक है, तो यहां से log x बाई एम दैट विल इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखता हूं, log p का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस ये वाली वैल्यू जो होती है वो log 3 के बराबर होती है लगभग ऑलमोस्ट। ठीक है, तो log x बाई एम जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, log 3p का स्क्वायर, log log घट जाएगा, तो x बाई एम जो होगा 3p के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो 3 आपके पास प्रेशर कितना ले रखा है, प्रेशर ले रखा है 4 × 10⁻²। ठीक है, का होल स्क्वायर ये वाला प्रेशर ले रखा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और ये कितना होगा 48 × 10⁴ −4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 48 × 10⁴ −4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नाइन्थ वाली प्रॉब्लम क्या कह रहा है, नाइन्थ वाली प्रॉब्लम को ध्यान से देखो। नाइन्थ ये कह रहा है कि आपको x बाई एम की वैल्यू बतानी किसके समानुपाती। ठीक है, तो पहले मैं ये बता देता हूं कि ये वाला जो है ग्राफ ये वाला है, तो इसका स्लोप जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, स्लोप, स्लोप जो आ रहा है 2 / 4 कितना होगा 1/2। ठीक है, और यहां से आपके पास x बाई एम इज इक्वल टू क्या होता है, के पी की पावर 1/n, तो x बाई एम जो होगा वो के पी, और 1/n ही आपके पास क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो स्लोप होगा तो यहां पे क्या आएगा 1/2, तो x बाई एम की वैल्यू p की पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।